Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat KTC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4 plus years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on this details if you have any query. So, good morning, dear students. Welcome to Devat KTC. Myself Sunil Yadav. जैसा कि हमने वादा किया था कि हम सारे सब्जेक्ट को फ्री में लॉन्च करने वाले हैं, तो उस सीरीज में हमने स्टार्ट किया है थियरी ऑफ मशीन, और उस थियरी ऑफ मशीन में हमने पहला टॉपिक व्हाट इज मशीन का डिस्कस कर दिया है. दूसरा टॉपिक हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस कर दिया है. तीसरा टॉपिक हम आज लेकर आ रहे हैं फोर बार मैकेनिज्म. तो आई होप सो कि आप लोग कनेक्टेड होंगे, और आप लोग अभी तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक नहीं किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर नहीं किए हैं, तो मैं यही चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बच्चे नीडेड हैं, जो बच्चे नीडी हैं विदाउट एनी कॉस्ट, जो बच्चे घर पे स्टडी कर रहे हैं, उनको कम से कम एक बेनिफिट मिल सके. और आप जानते हो, आपको मुझे जो मोटिवेशन मिलेगा वो आपसे ही मिलेगा. आप जब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक नहीं करेंगे, तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं आपको फ्री में सारे कंटेंट को डिलीवर कर सकूँ. ठीक है, तो मुझे आपसे कोई कॉस्ट नहीं चाहिए, बट ये है कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करोगे तो मुझे थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं आपके लिए कुछ करियर बना सकता हूँ. और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो लास्ट तक जुड़े रहें, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलेगा, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा. ये मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फोर बार मैकेनिज्म. देखो, हमने अभी तक सीखा क्या है, हमने अभी तक कुछ चीज़ें सीखी हैं सर. कुछ चीज़ें जैसे सर, एक हमारे पास लिंक है. लिंक को अगर हम एक से ज़्यादा लिंक को हम कनेक्ट करते हैं तो सर हमारे पास चेन बन जाती है. और जब हम 3 लिंक को कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से, तो सर ये चेन रिडंडेंट चेन बन जाती है. क्या बन जाती है? रिडंडेंट चेन. सर रिडंडेंट चेन आपने प्रीवियस उसमें वीडियो में बताया था कि रिडंडेंट चेन वो चेन होती है जिसका मोशन हम उसमें रिलेटिव मोशन हो ही नहीं सकता उसके बीच में. तो अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो बात ही ख़त्म है, उसका कोई मतलब नहीं है. हमें तो उस चेन्स पे फोकस करना है जिसका रिलेटिव मोशन हो. ठीक है, लेकिन अगर इसी चेन में एक लिंक को हम फिक्स कर दें तो हमारे पास यही चेन क्या कहलाती है? सर यही चेन हमारी बन जाती है स्ट्रक्चर. क्या बन जाती है? ये स्ट्रक्चर बन जाती है. सर स्ट्रक्चर क्या होता है? सर स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है. और डिग्री ऑफ फ्रीडम को जानने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा डिटेल में. तो स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है. तो हमें क्या करना होगा? हमें सर 3 से ज़्यादा लिंक को कनेक्ट करना होगा. सर 3 से ज़्यादा लिंक मतलब ऐसे कुछ? बिल्कुल ऐसे ही कुछ आपको कनेक्ट करना होगा. ऐसे कुछ कनेक्ट करने के बाद आपको क्या मिलता है? इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक चेन. क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक चेन. सर काइनेमेटिक चेन वो चेन होती है जिसकी हम मोशन को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं. बिल्कुल वही काइनेमेटिक चेन होती है. काइनेमेटिक चेन ऐसा नहीं कि 4 लिंक है तो काइनेमेटिक चेन है. 4 से ज्यादा भी लिंक हो सकती हैं उसमें काइनेमेटिक चेन में, बट मोस्टली हम 4 लिंक लेते हैं. लेकिन अगर इसी काइनेमेटिक चेन में एक और लिंक को मैंने फिक्स कर दिया तो दैट विल बिकम मैकेनिज्म. अब बात समझ में आई कि मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म वो काइनेमेटिक चेन है जिसकी एक लिंक को मैं फिक्स कर देता हूँ. बात समझ में? तो सर मैकेनिज्म आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैकेनिज्म ये है. बिल्कुल यही मैकेनिज्म है जिसकी 4 लिंक हैं और चारों लिंक को मैंने क्या कर दिया? एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया और ये क्लोज लूप बना दिया, जिसकी एक लिंक को अगर मैं फिक्स कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मैकेनिज्म हो जाएगा. मैकेनिज्म को के कुछ जो आउटपुट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो क्या हैं? सब जो लिंक हम फिक्स करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जिस लिंक को हमने फिक्स किया उसके लेफ्ट और राइट साइड वाली लिंक पे ही हम हमेशा फोकस करते हैं, बाकी को हम रिमेनिंग छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं होता खास उसका. लेफ्ट और राइट साइड में ही हमें इनपुट और आउटपुट मिल सकते हैं. ठीक है,
लेफ्ट और राइट साइड में हमें इनपुट आउटपुट मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये लेफ्ट वाला ही इनपुट होगा और राइट वाला आउटपुट होगा, हो सकता है ये लेफ्ट वाला आउटपुट हो और राइट वाला इनपुट हो। मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि जो फिक्स लिंक है उसके लेफ्ट और राइट साइड में जो लिंक्स हैं वही आपको इनपुट और आउटपुट देंगे। बात समझ में ठीक है। एक और इंटरप्रिटेशन इसकी है कि जो शॉर्टेस्ट लिंक होगी इसकी, जो भी लिंक इसमें शॉर्टेस्ट होती है वो लिंक क्या कहलाती है, क्रैंक कहलाती है। जो लिंक शॉर्टेस्ट लिंक होगी वही लिंक क्रैंक कहलाएगी। क्रैंक को पहचानने का तरीका क्या है, क्रैंक को पहचानने का तरीका है कि ये 360 डिग्री रोटेशन में होगा। 360 डिग्री क्या होगा, ये रोटेशन में होगा। अगर तो कोई भी लिंक हमारी 360 डिग्री रोटेशन कर पा रही है तो दैट इज क्रैंक। बात समझ में। और दूसरी चीज ये है कि नॉर्मली ये शॉर्टेस्ट लिंक ही होती है, और अगर हम लॉन्गेस्ट लिंक पे फोकस करें, लॉन्गेस्ट लिंक पे, तो वो हमारी क्या कहलाती है, रॉकर कहलाती है। वो हमारी रॉकर कहलाती है। सर रॉकर की डेफिनेशन क्या है, रॉकर की डेफिनेशन ये है कि ये लेस देन 360 डिग्री रोटेशन करेगा। 360 डिग्री रोटेशन, लेस देन 360 डिग्री रोटेशन का क्या मतलब हुआ कि लिंक है हमारी, अगर वो 360 डिग्री घूम रही है तो हम उस लिंक को क्या बोलेंगे, क्रैंक बोलेंगे। लेकिन अगर वो रोटेट तो कर रही है बट वो 360 डिग्री तक रोटेशन नहीं हो पा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड रॉकर। और ये इसको हम रॉकर को ऑसिलेशन भी बोलते हैं। अगर वो 360 डिग्री रोटेशन ना करे तो उसको हम ऑसिलेशन भी बोलते हैं। तो ये कुछ चीजें थी, ये कुछ टर्म्स थे। इसमें एक और चीज है इन्वर्जन का, एक टॉपिक आता है इसमें इन्वर्जन। तो व्हाट इज इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या कहलाता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि मैकेनिज्म में ये जो शब्द है इन्वर्जन, इसका मतलब होता है कि जब हम, देखो आपके सामने मैं ये मैकेनिज्म बना देता हूं। मैकेनिज्म में जब हम अलग, मान लो इसका नामकरण कर देते हैं 1 2 3 4, अलग अलग लिंक्स को फिक्स करके अलग अलग आउटपुट्स आपको मिलते हैं। तो जब अलग अलग लिंक्स को फिक्स करने के बाद अलग अलग आउटपुट्स मिले तो वही क्या कहलाता है, अलग अलग इन्वर्जन्स कहलाते हैं। जैसे मैंने वन लिंक को फिक्स कर दिया तो हमारे पास एक डिफरेंट आउटपुट मिलेगा, दूसरी वाली लिंक को हमने फिक्स कर दिया तो हमारे पास दूसरा आउटपुट मिलेगा, तीसरी वाली लिंक को फिक्स कर दिया तो तीसरा आउटपुट मिलेगा, और चौथी वाली लिंक को हमने फिक्स कर दिया तो चौथा आउटपुट मिल सकता है। तो यहां पे कितने इन्वर्जन मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4, मैक्सिमम 4 इन्वर्जन मिल सकते हैं। सर आप मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, मिनिमम भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। मिनिमम का मतलब यह हुआ कि अगर मान लो आपको 2 और 4 फिक्स करने के बाद एक ही आउटपुट मिल रहा है, मान लो 2 और 4 आपने फिक्स कर दिया तो सिर्फ आपको रॉकर रॉकर मैकेनिज्म मिल रहा है, या डबल रॉकर मैकेनिज्म मिल रहा है, या फिर क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म मिल रहा है। सेम आउटपुट, दोनों लिंक को फिक्स करने के बाद सेम आउटपुट मिल रहा है, तो उसको हम एक ही इन्वर्जन में काउंट करते हैं। तो यहां पे 4 इन्वर्जन हो सकते हैं, और हो सकता है कोई इन्वर्जन यहां पर रिपीट करे तो वो 3 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में। तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है। अब इस इन्वर्जन को समझाने के लिए, इस इन्वर्जन को समझाने के लिए ग्रैशॉफ साहब आए, ग्रैशॉफ ने एक लॉ निकाला, ग्रैशॉफ लॉ। उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि अगर आपके पास, मान लेते हैं कि एक मैकेनिज्म है, आपके पास ये मैकेनिज्म है, ये क्या मैकेनिज्म है, ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, थोड़ा प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। ये आपके पास एक मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म का अगर हम नामकरण करें, मान लो इसको हम बोलते हैं कि ये डी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लेते हैं लेट ए इज लेस देन, सॉरी डी इज लेस देन ए, इज लेस देन बी, इज लेस देन सी। डी मैंने क्यों लिया, क्योंकि डी सबसे शॉर्टेस्ट लिंक दिख रही है यहां पे। तो मैंने बोला, ये मैंने मान लिया कि डी, ऐसे कुछ ऑर्डर में हमने रख दिया लिंक्स को कि सबसे छोटी लिंक डी है। तो सबसे छोटी लिंक का क्या मतलब हुआ कि ये शॉर्टेस्ट लिंक है,
सबसे शॉर्टेस्ट लिंक ये डी है, और जो सी लिंक है ये कौन सी लिंक है, ये लॉन्गेस्ट लिंक है, ये लॉन्गेस्ट लिंक है, शॉर्टेस्ट लिंक एंड लॉन्गेस्ट लिंक। अब ये एजम्पशंस है हमारी एक मैकेनिज्म के लिए, लेकिन अभी तक हमारा मैकेनिज्म नहीं हुआ। अब इसमें क्या है कि अगर हम पहली केस ये है कि अगर हमारे पास जो सबसे छोटी लिंक है डी और सबसे बड़ी लिंक है सी, अगर इसका समेशन ग्रेटर देन आए रिमेनिंग दो लिंक्स के, ध्यान समझना, अगर डी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए प्लस बी, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज ऑलवेज क्या मिलेगा, रॉकर रॉकर मैकेनिज्म, क्या मिलेगा आपको, ऑलवेज रॉकर रॉकर मैकेनिज्म, रॉकर रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। रॉकर रॉकर मैकेनिज्म को ही हम डबल रॉकर भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि रॉकर रॉकर मैकेनिज्म ही क्या है, सर डबल रॉकर मैकेनिज्म। किस केस में मिलेगा, सर इस केस में मिलेगा अगर आपके पास डी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए प्लस बी है तो। लेकिन सर अभी तो आपने कोई लिंक फिक्स नहीं किया, तो फिर आप मैकेनिज्म कैसे बोल रहे हैं इसको, जब तक आप लिंक को फिक्स नहीं कर देते तब तक आप इसको मैकेनिज्म नहीं बोल सकते, बिल्कुल सही है। तो एक और लाइन इसमें ऐड होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ, एक लाइन इसमें और ऐड होगी क्या, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लिंक फिक्स, अगर हम कोई भी लिंक, एनी लिंक का मतलब हुआ कि कोई भी लिंक, अगर ये केस आपके पास एग्जिस्ट कर रही है तो इस केस में आप कोई भी लिंक फिक्स कर दो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा या रॉकर रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा इस केस में। बात समझ में आई, ठीक है। दूसरी केस क्या है सर, सर दूसरी केस ये है कि अगर हमारा C प्लस डी लेस देन A प्लस बी हो जाए तो क्या होगा, अगर C प्लस डी इज लेस देन A प्लस बी है तो वहां पे ऑलवेज वन रोटेटिंग लिंक एग्जिस्ट करेगी, वन रोटेटिंग लिंक क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपको ये केस है तो यहां पे एक केस फिक्स है कि यहां पे एक रोटेटिंग लिंक हमेशा होगी, एक रोटेटिंग लिंक तो पक्का ही होना है। तो सर इसका मतलब अगर ऐसी केस है तो यहां पे क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म के अलावा डबल रॉकर मैकेनिज्म नहीं आएगा, यही होना चाहिए, जब यार हर एक लिंक रोटेट कर रही है तो कोई ना कोई एक लिंक अगर रोटेट कर रही तो वहां पर डबल रॉकर मैकेनिज्म का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि डबल रॉकर तो तब होता है जब दोनों लिंक जो हो वो रॉक करें, रोटेट ना करें। तो ठीक है, देखते हैं अलग अलग केसेस, इसमें एक कुछ अलग अलग केसेस हैं, इसको समझ लेते हैं फिर हम आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है। चेक करते हैं, ये ग्रैशॉफ साहब ने बताया, मैंने कुछ नहीं बताया भाई। ग्रैशॉफ साहब ने क्या बताया कि सर ये था आपके सामने मैकेनिज्म और ये था डी, ये था ए, ये बी, ये सी। इस केस में मैं कहता हूं पहली केस ये लेते हैं, मान लो सबसे छोटी वाली लिंक को हम फिक्स कर देते हैं, सबसे छोटी वाली लिंक, तो हमने केस क्या लिया, केस वन लिया, केस वन क्या लिया कि व्हेन शॉर्टेस्ट लिंक, व्हेन शॉर्टेस्ट लिंक इज क्या हुआ, फिक्स। जब हमने शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, ये ग्रैशॉफ साहब बताते हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। ग्रैशॉफ साहब कहते हैं कि अगर आप शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर देंगे तो इसके, आपको पता है कि जब मैं बोलता हूं कि इनपुट और आउटपुट की बात, तो जो लिंक फिक्स है उसके लेफ्ट और राइट साइड वाली लिंक पे ही हम फोकस करेंगे। तो ग्रैशॉफ साहब ने बताया कि अगर ऐसी कोई केस एग्जिस्ट करती है कि जिसमें शॉर्टेस्ट लिंक को हमने फिक्स कर दिया तो उस केस में हमें क्या आउटपुट मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा सर डबल डबल क्रैंक मैकेनिज्म,
डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिल जाएगा। डबल क्रैंक का क्या मतलब हुआ सर? डबल क्रैंक का मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड वाला इनपुट या आउटपुट जो भी हो सकता है ये भी रोटेट करेगा 360 डिग्री और राइट साइड वाला भी रोटेट करेगा 360 डिग्री। समझ में? तो हमारे पास ये जो दोनों लिंक हैं ये 360 डिग्री रोटेट करेंगी और 360 डिग्री रोटेशन वाली लिंक क्या कहलाती है? क्रैंक कहलाती है। तो हमारे पास आउटपुट क्या मिल जाएगा? डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिल जाएगा। समझ में? ठीक है, दूसरी केस लेते हैं सर, केस नंबर दो। केस दो क्या है कि पहले मैकेनिज्म को हम बना लेते हैं सर। मैकेनिज्म हमारा ये है, ये डी, ये ए, ये बी, ये सी। ये केस क्या है सर? ये केस है कि केस टू ये है कि व्हेन अपोजिट, व्हेन अपोजिट टू शॉर्टेस्ट इज फिक्स्ड। अगर हम अपोजिट टू शॉर्टेस्ट मतलब कि सबसे शॉर्टेस्ट डी थी, तो अगर हम इसके अपोजिट वाली लिंक को फिक्स कर देते हैं, इसके जस्ट अपोजिट वाली लिंक अगर हम फिक्स कर देते हैं, तो आपको पता है कि फिक्स लिंक जो है फिक्स लिंक के लेफ्ट साइड या राइट साइड वाला ही इनपुट आउटपुट होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पे हमारे सामने आउटपुट क्या निकल के आता है? वहां पे निकल के आता है डबल रॉकर, डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। ये ग्रेसहॉप्स आप कहते हैं कि वहां पे आपको डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। अगर आपने इसका मतलब कि ए भी रॉक करेगा और सी भी रॉक करेगा, दोनों 360 डिग्री रोटेशन में नहीं होंगे। तो सर अभी तो आपने बताया कि अगर ऐसी केस है, चूंकि ये केस किस चीज की केस हम डिस्कस कर रहे हैं? ये सर कर रहे हैं सी प्लस डी इज लेस देन ए प्लस बी, भूल गए आप? और इस केस में आपने बताया था कि अगर ऐसी केस एग्जिस्ट करती है तो ऐसी केस में एक ना एक ऐसी लिंक होगी जो रोटेट करेगी, लेकिन फिर आप बोल रहे हैं कि यहां पे डबल रॉकर मैकेनिज्म आ गया, तो फिर रोटेट करने वाली लिंक कौन सी है? बिल्कुल सही है, ग्रेसहॉप्स ने बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं यार। अगर ऐसा कुछ है तो यहां पे ये जो डी लिंक बची, ये डी लिंक रोटेट करेगी। ये रोटेट तो करना फिक्स है, तो फिर डी लिंक रोटेट करेगी। डी लिंक क्या कहलाती है? डी लिंक कहलाती है कपलर या कनेक्टिंग लिंक, कपलर या कनेक्टिंग लिंक, सॉरी बी लिंक नहीं, इस केस में डी लिंक कपलर होगी। जो आउटपुट या इनपुट के अलावा जो बचती है रिमेनिंग लिंक, वो कपलर ही होती है। ठीक है, मैकेनिज्म का यही रूल है। तो फिर यही कपलर यहां पे क्या करेगा? रोटेट करेगा 360 डिग्री। तो सर ये कपलर कैसे रोटेट कर सकता है? देखो यार, इसके लिए आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर, जो मैं वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो इंस्टेंटेनियस सेंटर पे होगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि दुनिया में हर एक बॉडी किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट, किसी ना किसी इंस्टेंट पे वो क्या करती है? उसका प्योर रोटेशन में होती है उस पॉइंट के अबाउट। किसी ना किसी टाइम पे वो उस पॉइंट के अबाउट, किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में होती है, और वही पॉइंट क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस सेंटर कहलाता है। तो ये भी डी लिंक भी कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेशन में होगी, और उस समय जब ये दोनों रॉक कर रहे होंगे तो ये प्योरली रोटेशन में होगी डी लिंक। तभी यहां पे बोला गया है कि ये कपलर क्या कहलाएगा, कनेक्टिंग रॉड क्या कहलाएगा? रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये दूसरी केस हो गई। अब केस नंबर थ्री, केस थ्री क्या है? केस थ्री ये है कि आपके सामने ये मैकेनिज्म है, ये डी था, ये ए था, ये बी था, ये सी था। सर आपने अभी तक क्या किया? डी फिक्स कर दिया, बी फिक्स कर दिया। अब चाहे ए फिक्स करो, चाहे डी फिक्स, सॉरी सी फिक्स करो, चाहे, ध्यान रखना, चाहे ए फिक्स कर दो चाहे सी फिक्स कर दो, आपको क्या मिलेगा? क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म। क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म आपको मिलेगा इस केस में, जब आप चाहे ए फिक्स कर दो चाहे सी कर दो। मैंने क्या बोला था इन्वर्जन समझाने के समय? मैंने यही बोला था कि अगर दो लिंक्स को, अलग अलग दो लिंक्स को फिक्स करने के बाद
एक ही आउटपुट मिले तो उसको हम एक ही इन्वर्जन में मान लेते हैं। इसका मतलब ये जो प्लेनर मैकेनिज्म था 4 बार मैकेनिज्म का, इसमें सिर्फ कितने इन्वर्जन्स होंगे? सिर्फ 3 इन्वर्जन्स होंगे, सिर्फ 3 इन्वर्जन्स होंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हमें ए और सी कुछ भी फिक्स करने के हमारे पास सिर्फ क्रैंक एंड रॉक मैकेनिज्म ही मिल रहा है, तो यही 3 केस ही बन पाएगी इसमें। ठीक है, एक और केस है डेल्टॉयड मैकेनिज्म का, एक है डेल्टॉयड मैकेनिज्म मैकेनिज्म सर डेल्टॉयड मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म होता है देख लो। डेल्टॉयड मैकेनिज्म कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, ये अगर ये डी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो डेल्टॉयड मैकेनिज्म की कहानी क्या होती है कि सर ए इज इक्वल टू डी होता है और बी इज इक्वल टू सी होता है। मतलब कि ये जो ए है ये क्या है, ए इज इक्वल टू डी, ए इज इक्वल टू डी, और बी इज इक्वल टू सी होता है, बी इज इक्वल टू सी होता है। एक और चीज होती है इसमें कि अगर हम कहें कि डेल्टॉयड मैकेनिज्म की एक और चीज होती है कि जैसे अगर हम कहें कि ए मान लो रोटेशन में है, अगर ए रोटेशन में है, ए का जो रोटेशन है वो क्या है, एन आरपीएम है, तो फिर बी का या सी का रोटेशन क्या हो जाएगा, एन बाई 2 आरपीएम हो जाएगा। ये डायरेक्टली हम ये जान सकते हैं कि अगर ए जो है ये रोटेट कर रहा है हमारे पास। अच्छा, इसमें आउटपुट हमने नहीं बताया, आउटपुट क्या मिलेगा इस केस में, इस केस में आपको डबल डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा, इसमें डबल क्रैंक मिलेगा। अगर हम मान लो इसको फिक्स कर देते हैं तो ये भी क्रैंक होगा और ये भी क्रैंक होगा। तो इस केस में अगर ए रोटेशन एन आरपीएम से है तो सी वाला जो रोटेशन होगा वो कितने आरपीएम से होगा, एन बाई 2 आरपीएम से होगा। ये आप डायरेक्टली देख सकते हैं, अगर डेल्टॉयड मैकेनिज्म आप देखते ही पहचान जाएंगे कि अगर ये ए और डी दोनों लेंथ बराबर है, बी और सी लेंथ बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा, डेल्टॉयड मैकेनिज्म कहलाएगा। एक और केस है 4 बार पैरेलल मैकेनिज्म, फोर बार पैरेलल मैकेनिज्म क्या है ये, 4 बार पैरेलल मैकेनिज्म। आपने ट्रेन का जो व्हील है वो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, कुछ ऐसे टाइप का मैकेनिज्म। अगर मैं कहूं कि सर ये शॉर्टेस्ट लिंक डी थी, ये फिर ए है, ये बी है और ये सी है, तो कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म आपके सामने दिखेगा। समझ में, इस टाइप के मैकेनिज्म में एक खास बात यह है कि डी इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू सी है, साथ में डी इज पैरेलल टू बी है और ए इज पैरेलल टू सी है। ये दोनों लाइनें ए जो है सी के जस्ट पैरेलल है और डी जो है बी के जस्ट पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल लाइनें हैं। ये 2 कंडीशंस हैं ये बताने के लिए कि ये 4 बार पैरेलल मैकेनिज्म है कि नहीं है। इस केस में क्या होगा कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे। क्या मतलब है ये, मतलब ये है कि सर डी प्लस के अगर हम करें तो ये बराबर होगा बी प्लस सी के, और इस केस में हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें जो आउटपुट मिलने वाला है उसमें, इस केस में आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, इसमें भी आपको आउटपुट मिल जाएगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। दैट मींस कि ऑब्वियसली ये व्हील हैं दोनों और यही दोनों रोटेट करेंगे, तो इसका मतलब इस लिंक को हमने फिक्स किया होगा, इस लिंक को फिक्स करने के बाद यही दोनों लिंक हमारी रोटेट करेंगी, और यही दोनों लिंक रोटेट करने की वजह से हमारा ये क्या कहलाएगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, तो आई होप सो कि जो 4 बार प्लेनर मैकेनिज्म है, ये छोटा सा वीडियो आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि प्लेनर मैकेनिज्म को हम 4 बार प्लेनर मैकेनिज्म के अलग अलग इन्वर्जन्स पे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जस्ट इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ गेट के एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, वो क्वेश्चंस अगले वीडियो में है, इसी से कनेक्टेड रहेंगे, तो उसको आप देखिएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है, लगे रहिए, मोटिवेटेड रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि अब एक आपको कहीं पे करने की आवश्यकता नहीं है,
अब आप फ्रीली गेट की क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।